नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, कौन से सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, कौन से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुए, कौन से पैटर्न बने, डबल टॉप बना, ट्रिपल टॉप बना, डबल बॉटम बना, कहां से बाउंस बैक हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था जो हमने ट्रेड लिए थे, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली देखिए, हमने यहां पर जैसा एक्सपेक्ट किया था कि ये देखिए, मैं अगर आप लोगों को यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास खाली हम यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुए थे। तो यहां पर देखिए, जो कैंडल यहां पर बनी थी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखिए एक समझ लीजिए बुलिश कैंडल में आ जाती है अगर ये सपोर्ट लेवल पर बनती है। तो फाइनली देखिए, आज हम जो है कंटिन्यू बुलिश रहे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नीचे की तरफ छोटी सी विक दिखाई दे रही होगी, बट ऊपर की तरफ विक नहीं है, है भी तो बहुत एक मामूली सी है जो हमको अभी दिखाई भी नहीं दे रही है चार्ट में। मतलब हम कह सकते हैं आज यहां पर बायर के हाथ में पूरा कंट्रोल था, यहां पर जो है सेलर्स यहां पर अपना रंग नहीं जमा पाए और यहां पर बायर कंटिन्यू जो है मार्केट को ऊपर लेते चले गए। बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट में आज हमने किस तरह से ट्रेड लिए, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, उन सब चीजों की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैं सारी चीजें यहां पर कंटिन्यू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर रहा था कि किस टाइम जो है यहां से ब्रेकआउट होगा, कौन सा डबल टॉप पैटर्न है, कौन सा क्या है, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट कर रहा था। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि हम देखिए अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मैंने आपको इस तरह से, ये देखिए मेरा कर्सर, देखिए मैंने बताया था कि यहां पर एक रेंज बन रही है और फाइनली हमने रेंज का ही यहां पर जो है अभी फोकस करना है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम बायर बन जाएंगे, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम यहां पर सेलर बन जाएंगे। तो फाइनली देखिए, इसका ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ हुआ और हमने यहां पर जो है बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट किए। देखिए, बाइंग की ट्रेड भी लिए और ये जो ऊपर की तरफ हमने यहां पर डबल टॉप पैटर्न बना तो यहां पर सेल की ट्रेड भी लिए, कई तरह के हमने यहां पर ट्रेड लिए। फाइनली हमने आज यहां पर 60 ट्रेड लिए थे और 60 ट्रेड में से हमारे 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे थे और एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो फाइनली देखिए, मैं सारी चीजें यहां पर आप लोगों को कंटिन्यू मैं टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूं, सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, घंटे घंटे आधे आधे घंटे पर मैं आपको अपडेट करते रहता हूं कि कहां पर सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। देखिए, अगर आप टेलीग्राम के चैनल के जरिए अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हो रहा हो तो जरूर यहां पर आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मैं चार्ट पोस्ट करता हूं आपके लिए कितनी वो हेल्पफुल है। देखिए, वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलता है, आपको वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने को मिलता है, काफी की चीजें आप वहां सीख सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप सर्च बार में जाकर लिखेंगे एंजल टेक एनालिसिस तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो देखिए, ये तो थी आज की बात। अब देखिए, यहां पर जो ट्रेंड लाइन देखिए मैंने यहां पर एक ड्रॉ करके इस तरह से रखा हुआ था और मेरा ऐसा व्यू था ये जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक यहां से हम बार बार बाउंस बैक करेंगे और जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम क्लोज होंगे तो हम यहां पर जो है बियरिश होने वाले हैं और फिर हम यहां पर सेल के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मे बी यहां पर कुछ ट्रेंड लाइन इस तरह से भी बने थे, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस तरह से भी जब हम स्टार्टिंग के टाइम में जा रहे थे तो देखिए यहां पर इस तरह से भी ट्रेंड लाइन बन रहे थे। सो फाइनली यहां पर जो नीचे इसका सपोर्ट था, देखिए सपोर्ट भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए मैं लॉजिकली यहां पर बात करता हूं सारी, ये देखिए अब यहां पर बार बार सपोर्ट से आके जो है बाउंस बैक हो रहा था। तो चलिए अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। चलिए, आज तो जो हुआ आपने जो प्रॉफिट बनाया कुछ भी किया, चलिए हम बात करेंगे अब कल के लिए कि हम कल किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। कल के लिए हम यहां पर लॉजिक समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल मींस देखिए रेजिस्टेंस लेवल किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल होता है देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वही सपोर्ट बनता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लेवल एक ऊपर का लेवल होता है, तो एक ऊपर का लेवल था, यहां से बार बार बैंक निफ्टी जा रही थी, बार बार वापस हो रही थी। तो फाइनली देखिए यहां से जो आज बाउंस बैक किया इसने, बाउंस बैक करने के बाद इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस था देखिए वो सपोर्ट बन गया और फाइनली बार बार जो इसी सपोर्ट से जाकर जो है बाउंस बैक हो रहा था। अब देखिए, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पर एक रेंज बन रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को यहां पर तो देखिए यहां पर एक रेंज बन रही थी, ठीक है। ऊपर की जो रेंज बन रही थी वो रेंज थी देखिए 29,880 के आसपास की और जो नीचे की रेंज थी वो थी 29,700 के आसपास की। तो ये 180 पॉइंट्स की यहां पर कंटिन्यू रेंज बन रही थी और जो देखिए इसने जो है 3:15 के आसपास जो है इसका ब्रेकआउट दे दिया है आज। सो यहां पर अभी हम यहां पर क्लियर कट बुलिश है। कल यहां पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर कोई डोजी कैंडल बन जाए या फिर कुछ बन जाए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। डोजी कैंडल बनने के बाद इसका हाई ना क्रॉस करे और वो डोजी कैंडल बने यहां पर और उसके बाद अगर 29,950 का लेवल क्रॉस करती है तो हम यहां पर 100 पॉइंट्स के लिए बिल्कुल क्लियर कट जाने वाले हैं। वहां पर हमारा टारगेट 30,050 होगा और अगला टारगेट हमारा जो होगा
वो होगा हमारा टारगेट 30,200, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 30,350 का। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन के, देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर चल रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन को मैं और एक्सटेंड कर देता हूं, तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमारे पास सपोर्ट है, और ये जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम तब तक हम यहां पर बुलिश है इंट्राडे में। मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे तो मे बी हम यहां पर 29,700 और उसके बाद जो है यहां पर 29,475 या 29,500 का लेवल हम यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पर बताऊंगा आपको गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और जो है फ्लैट की ओपनिंग में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहां कोई डोजी कैंडल बने या किसी तरह कैंडल बने, बस ये जो है जो आज का जो हाई लगा हुआ है मीन्स 29,950 के लेवल क्रॉस ना करे, यहां पर कोई थोड़ी देर सस्टेन हो, सस्टेन होने के बाद 29,950 के लेवल क्रॉस करती है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। दूसरा देखिए, अब यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अब हमारे लिए हर्डल कहां कहां पर है, हमारे रेजिस्टेंस कहां कहां पर है। सो अब यहां पर हमको जो मेन रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 30,350 के आसपास। तो मानिए यहां पर अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 30,350 के आसपास मिलता है तो ये हमारा एक सेलिंग एरिया होगा, यहां से सेलिंग आ सकती है, मे बी 100 से 150 पॉइंट्स की सेलिंग हम यहां पर देख सकते हैं। दूसरा देखिए, अब हमारे लिए जो है सपोर्ट एरिया कौन कौन से हैं। अब मैं ये सारी एनालिसिस मैं यहाँ पे जो है डिलीट करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम जो है कहाँ से जो है बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट बुलिश हो चुकी है अगेन, ठीक है। तो हम यहां पर अपने सपोर्ट एरिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा सपोर्ट एरिया है, अगर कल मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपको यहां पर कहीं 29,450 से 70 के आसपास मिलता है तो यहां से आप बाइंग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मार्केट में कोई न्यूज आती है, कोई सेल अप हो जाता है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट आपको यहां मिलती है 29,000 के लेवल पर, तो वहां पर देखिए क्या वहां पर जो है लॉजिक बनने वाला है। वहां पर लॉजिक ये बनने वाला है, यहां पर देखिए 1 और यहां पर मे बी 2, तो यहां पर देखिए यहां फर्स्ट बॉटम यहां बन चुका है। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आती है, यहां से अगर नीचे की तरफ आती है और यहां पर सपोर्ट लेती है तो यहां पर हमारा डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और यहां से क्लियर कट बाइंग आप यहां से कर सकते हैं। मे बी वहां से कुछ कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा, कोई डोजी कैंडल बने, डोजी कैंडल बनने का कोई हैमर कैंडल बने या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने, या डाटा एनालिसिस करके या टेक्निकल एनालिसिस अपनी या फिर किसी मतलब कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड किया करिए, चाहे वो सेल का ट्रेड हो चाहे वो बाय का ट्रेड हो। जब तक आपकी ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और जब तक क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी तब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा। सो ये सब चीजें लेकर हमको चलनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सिस बैंक 568 का लेवल ब्रेक करता है तब हम यहां पर सेलर बनने वाले हैं। अगर यहां पर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये जो चार्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, तो यहां पर जो गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद कल एक यहां पर हैमर कैंडल बनी थी, तो इसका सपोर्ट देखिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही है और इसी ट्रेंड लाइन से जो है ये बाउंस बैक हो चुका है। तो फाइनली कल हम यहां पर जो है 592 रुपए के ऊपर जो है बायर बन सकते हैं, हमारा टारगेट जो है 600 और 605 रुपए रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक, तो बंधन बैंक भी देखिए अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से ही बाउंस बैक हुआ है। ये देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां पे इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस फाइनली यहां सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहां पर फिर रेजिस्टेंस का काम किया इसने, यहां से ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बना, फिर इसी यही लेवल आके सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट से देखिए अब यहां पर बाउंस बैक होने की तैयारी है। दूसरा देखिए मैंने बताया था ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद मैंने आपको टारगेट दिया था यहां पर 370 का, तो फाइनली 370 का टारगेट यहां पर अचीव हो गया है। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा नीचे करूंगा और आपको एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ की है, अब जैसे हम इसका ब्रेकआउट करते हैं तो हम यहां पर दोबारा एक बाइंग करने की तैयारी कर सकते हैं। सो इस ट्रेंड लाइन पर फोकस करिएगा, अभी ये ट्रेंड लाइन इसके लिए हर्डल है। ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट करता है या फिर आप जो है 405 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं, टारगेट 410 और 415 रुपए होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक, तो मैं आपको बता रहा था HDFC बैंक मुझे अभी स्ट्रांग लग रहा है, मुझे अभी इसमें कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। सो मैंने आपको बाइंग के लिए यहां पर बताया था 1385 रुपए के ऊपर, यहां पर बाइंग जो आपकी थी वो 1385 रुपए के ऊपर थी, तो आज फाइनली वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ, आज यहां पर छोटी सी एक कैंडल बनी है ग्रीन, तो कल भी हमारा लेवल यही रहेगा 1385 रुपए के ऊपर हम बाय कर सकते हैं 1400 और 1415 रुपए के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक, तो ICICI बैंक देखिए कल मैंने आपको एनालिसिस करके बताई थी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो
ये देखिए, अब मैंने बताया था कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, और इस हैमर कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने आपको बताया था कि 500 ऊपर की क्लोजिंग, 500 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। फाइनली देखिए, आज 500 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग भी आई, और टारगेट मैंने आपको बताया था 505 और 510 रुपए, तो पहला टारगेट 505 रुपए यहाँ पर अचीव हुआ। अब कल के लिए क्या करना है, 505 रुपए के ऊपर निकलता है तो 510, 515 और 520 रुपए के टारगेट के लिए हम आईसीआई बैंक में हम यहां पर जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल जो है एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी में ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के देखिए जो है कल टाइम डीके इफेक्ट होगा, तो मतलब जो टाइम डीके है वो आपका प्रीमियम खा सकता है। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको जो है ऑप्शन राइटिंग की तरफ जाना चाहिए रेदर देन ऑप्शन बाइंग, अगर मार्केट साइडवेज होती है तो। अगर मार्केट वन साइडेड चलती है तो आप वहां पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कॉल बाइंग के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किन ट्रेडर को ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और किन ट्रेडर को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, किस दिन ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, किस दिन ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन बाइंग में लेना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन सेलिंग में लेना चाहिए, ये सारी टॉपिक मैं जो है उस ऑप्शन की वीडियो में कवर करूंगा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो लेकर आने वाला हूं, वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए मैं उस वीडियो की पूरी तैयारी कर रहा हूं, काफी मैं उस वीडियो पे जो है सोच रहा हूं कि मतलब काफी अच्छी अच्छी चीजें उस वीडियो में डाली जाए ताकि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। अब देखिए, इंडसइंड बैंक ने यहां पर जो पैटर्न बनाया था, यहां पर देखिए इनसाइड कैंडल यहां पर पैटर्न बना हुआ था, तो यहां पर देखिए आपको बताया था मैंने कि 815 रुपए के नीचे आप यहां पर जो है सेल कर सकते हैं, टारगेट हमारा यहां पर बताया था मैंने आपको 765 रुपए का। तो फाइनली देखिए, आज जो है नीचे की तरफ ब्रेक ना करके ऊपर की तरफ जो है इसने ब्रेकआउट नहीं किया, मीन्स मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब ऊपर की तरफ निकल गया। अब कल भी हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं अभी जो है इंडसइंड बैंक में बिल्कुल बियरिश हूं, यहां पर बुलिश बिल्कुल नहीं हूं। 815 रुपए के नीचे जैसे ही निकलेगा मैं यहां पर इसको सेल कर दूंगा, और मे भी यहां पर इसको मैं पोजीशन भी रख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरा टारगेट क्लियर कट 765 रुपए और उसके बाद 720 रुपए का होने वाला है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनसाइड कैंडल यहां पर काम अभी जो है मतलब इसे खत्म नहीं हुआ है, मे भी यहां पर काम कर सकती है, हो सकता है कल यहां से एक सेल ऑफ आ जाए और 715 का लेवल ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कोटैक बैंक, तो कोटैक बैंक यहां पर देखिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन कल एनालिसिस में ड्रॉ करके बताई थी, और मैंने कल आपको बताया था कि मे ये जो है बाउंस बैक करने के लिए एक बिल्कुल सही जगह है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको ये सपोर्ट भी मिलेगा 1810 के लेवल के आसपास, तो ये हमारे लिए और जबरदस्त यहां पर बाइंग हो सकती है, क्योंकि यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने का सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद फिर दोबारा जो है सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहां पर अगर आपको मिले तो आप यहां पर बिल्कुल जो है अच्छे से मतलब यहां पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बाइंग रहेगी। सो ये ट्रेंड लाइन भी देखिए काम करता है, ट्रेंड लाइन के पास जो है बाउंस बैक यहां पर हो चुका है। अब देखिए, मैं यहां पर आपको बताऊंगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से। अब ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट होता है इसके बाद हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे में बाइंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक के बारे में ये देखिए, यहां पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ था। ये देखिए हमारी की रेंज थी, नीचे की रेंज 156 रुपए थी और ऊपर की रेंज 197 रुपए थी। तो फाइनली देखिए, यहां पर मैंने बताया था कि जैसे हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे हम यहां पर सेलर बन जाएंगे, और यहां पर एक लेवल और बताया था मैंने 230 का, कि 230 के नीचे ही हम यहां पर सेलिंग करने वाले हैं, उससे पहले नहीं। 230 के बाद मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो 200 को दिया था, तो फाइनली यहां पर 200 का टारगेट भी यहां पर अचीव हुआ। और यहां पर जो कैंडल बनी थी वो सेम, अगर आप बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी के जैसी ही बिल्कुल यहां पर कल मूवमेंट हुई थी, सेम कैंडल यहां पर बनी थी, ड्रैगन प्लांट होगी। मैंने यहां पर आपको बाइंग के लिए बताया था 211 रुपए के ऊपर, फाइनली देखिए यहां पर जो आज का हाई लगा वो 224 का लगा, बट यहां हमारा टारगेट 215 और 220 का था। अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, अब यहां पर आप 224 रुपए के ऊपर जब निकलता है तो यहां पर 230 और 235 रुपए के लिए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बताया था मैंने आपको, देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास हैमर कैंडल बनी हुई है और मे बी यहां से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको यहां पर बाइंग के लिए बताया था मैंने 258 रुपए के ऊपर, और जो टारगेट मैंने यहां पर आपको दिया था वो 260 और 262 का दिया था, तो यहां पर जो हाई लगा है वो 263 रुपए 90 पैसे का लगा है। अब हमको कल क्या करना है, SBI में देखिए हमको कल क्या करना है, हमको 265 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 265 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम यहां पर 268 और 270 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सेकंड, अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग का या अलायंस ब्लू का, वहां से अकाउंट ओपन करके आप हमारे इंट्राडे पर्सनल ऑप्शन ग्रुप में वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं अपनी पर्सनल कॉल जो है उस ग्रुप में देता हूं। दूसरी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो कम से कम कर ही दीजिएगा, लाइक और शेयर करके जो है मतलब मुझे आप देखिए लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।